हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे चिकन की बहुत ही अमेजिंग एक डिश, जो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान। और इस विंटर सीजन में आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा ज़रूर। तो चलिए इस रेसिपी को घर पे बिल्कुल ट्राई कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम आपको बता देंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कितना जूसी एंड सॉफ्ट है ये हमारी चिकन। और इस रेसिपी को अगर आप एक बार घर पे ट्राई करोगे ना, तो बार बार सभी बोलेंगे ये रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी बात, अगर हमारे चैनल्स के वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत है 3 चिकन ब्रेस्ट के पीस। ये पीस 200 ग्राम के करीब करीब वेट में है और इस पीस को हमने ऐसे ही कट कर लिया। और अगर आप चाहो तो छोटा पीस भी ले सकते हो, बट ये ब्रेस्ट पीस के साथ ही आपको ये अगर आप करोगे तो बहुत ही ज्यादा इसमें टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा सा मैरिनेशन, और इसके लिए हमें जरूरत है 1/2 कटोरी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और 1 कटोरी मैदा। आप चाहो तो 2 कटोरी कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों मिक्स करके दे रहे हैं। और ये मैदा देने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे 1 छोटे चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी दे सकते हो। और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और कुछ देर मिलाने के बाद ये जो चिकन्स हैं, सिर्फ ये मैदा और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के अंदर सिर्फ टैप करेंगे। बिल्कुल भी इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती इसको मिक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको वन साइडेड, एक साइड और दूसरे साइड में जस्ट आपको टैप करना होगा। तो देख लीजिए मैं कैसे ये कर रही हूँ। आप देख लीजिए जस्ट आपको ऐसे ही करना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करना। तो देख लीजिए हम 3 जो चिकन के ब्रेस्ट के पीस है उसको एकदम रेडी कर चुके हैं। तो चलिए अभी हम कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें सबसे ज़रूरत है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ रिफाइंड ऑयल। और तेल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे थोड़ा सा साबुत काले मिर्च। काले मिर्च थोड़ा सा गर्म होने के बाद देखिए अभी हम दे रहे हैं चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस। और ये जो चिकन की डिश है, अगर आप एक बार घर पे बनाओगे तो बार बार सभी आपको बोलेगा बनाने के लिए। तो ये चिकन को हम आधे घंटे के लिए गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। और कम कर देने के बाद इसको आधे घंटे के लिए एक साइड को फ्राई करना होगा। तो देख लीजिए आधे घंटे हो चुका है और एक साइड थोड़ा सा कलर आना शुरू हुआ है। अभी जब भी आप ये रेसिपी घर पे बनाओगे, पूरी रेसिपी के दौरान आपको गैस के फ्लेम को एकदम ही कम करना होगा। तो चलिए देख लीजिए एक साइड हमारा फ्राई हो चुका है, अभी हम इसको फ्लिप कर रहे हैं दूसरे साइड पे। तो इस दूसरे साइड को अच्छे से फ्लिप करने के बाद इसको फिर से आधे घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना होगा। इस रेसिपी को जितना आप ढक के बनाओगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए अभी हमारे आधा घंटा हो चुका है, अभी हम इसको अंदर दे देंगे 2 चम्मच सॉल्ट। आप चाहो तो जब चिकन को कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में दे रहे हो तभी आप सॉल्ट दे सकते हो, बट हम यहाँ पे बाद में ही सॉल्ट दे रहे हैं, क्योंकि पहले से अगर आप चिकन के अंदर सॉल्ट दे दोगे तो चिकन पानी छोड़ सकता है। तो इसलिए हम नमक को बाद में दे रहे हैं। अभी इस चिकन को थोड़ा सा नमक के साथ मिलाने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे फिर से आधा घंटे के लिए लीड। जितना आप ढक के बनाओगे उतना ही अच्छा है। तो लीजिए आधा घंटा फिर से हो चुका है, अभी हम आपको दिखा देंगे कितना अच्छा इसके अंदर देख लीजिए कलर आया है। अभी हम इसके अंदर देंगे बहुत सारे गार्लिक्स। गार्लिक्स देने के बाद अभी इसको फिर से छोड़ दीजिए आधा घंटे के लिए। तो देखिए आधा घंटे हो चुका है, गैस के फ्लेम को मैं बार बार बोल रही हूँ अभी आपको कम करना ही है। अभी इस चिकन की पीसेस को हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही आपको कट करना है और चिकन के जो टुकड़े हैं उसको ऐसे ही पीसेस में आपको कट करना है। तो देख लीजिए ये कट करने के बाद हम फिर से इसको आधा घंटे के लिए ढक रहे हैं। तो देखिए आधा घंटे हो चुका है, अभी ये पीसेस को हम थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे। एक साइड फ्राई हो चुका है, दूसरे साइड को अच्छे से फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस को क्योंकि काट कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से जूसी और सॉफ्ट बन जाए। अभी इसके अंदर हम दे देंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉस यानी कि सोया सॉस।
अब हम इसके अंदर दे रहे हैं थोड़ा सा रम। आप चाहो तो रम को स्किप भी कर सकते हो, इसके बदले में आप ऑरेंज जूस भी दे सकते हो। अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं आधा नींबू का रस। आप चाहो तो एक पूरा बिग साइज का नींबू भी इसके अंदर दे सकते हो। अभी आपको देना होगा शहद। मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच शहद दे रही हूँ, आप अपने स्वाद के मुताबिक शहद को बिल्कुल दे देना। तो अभी इसके अंदर आपको देना होगा 2 चम्मच काली मिर्च की पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और ब्लैक पेपर पाउडर आप बिल्कुल अपने स्वाद के अनुसार ही देना। अभी इसको अच्छे से कुछ देर मिला लूंगी और कुछ देर मिलाने के बाद इसको अंदर दे दूंगी थोड़ा सा लीड फिर से। तो चलिए इसको मिला लीजिए और देखिए मिलाना हो चुका है। अभी इसके अंदर हम दे देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बट थोड़ा सा पानी देने से ये और भी जूसी बनेगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा इसको मिलाने के बाद हम इसके अंदर आधे घंटे के लिए दे रहे हैं लीड। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है और पानी भी बिल्कुल सूख चुका है। और अब इसके अंदर दे दूंगी 2 चम्मच केचप। आप चाहो तो ये केचप को स्किप भी कर सकते हो, बट मेरे मानो केचप को बिल्कुल स्किप मत करना। और इसके अंदर हमने दे दिया 1 चम्मच पेपर पाउडर। अब हम दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेरी पेरी सॉस। बहुत ज्यादा कम अमाउंट में इसको देना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस, और इसको आपको अच्छे से अभी मिलाना होगा। तो चलिए अभी इसको अच्छे से कुछ देर के लिए फिर से मिला लीजिए, और कुछ देर जितना आप इसको अच्छे से मिलाओगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो देखिए मिलाना हो चुका है। अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग, वह है स्प्रिंग अनियंस। तो स्प्रिंग अनियंस देने के बाद हम इसको फिर से अच्छे से मिला लूंगी। हमारा ये चिकन की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टीम दे देंगे और अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो देखा ना कितना आसान है इसको घर पे बनाना। अभी हम आपको दिखा देंगे कितना सॉफ्ट एंड जूसी है। तो देखिए कितना सॉफ्ट है ये चिकन। इसको घर पे जरूर बनाना और सबको जरूर खिलाना, और हमें बताना बिल्कुल मत भूलना आपको कैसा लगा। तो हमारे बहुत ही सारे नए नए रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। और अगर हमारे वीडियोस के दौरान कोई भी चीज़ आपको खराब लग रहा है तो हमें ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी बिल्कुल रहिए। बाय।